हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज ONGC पर चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी पर चर्चा करने वाला हूँ, जिसका कि NSEIndia.com वेबसाइट के नाम है। इस पर शेयर प्राइस 263.35 रुपया शो हो रहा है। तो इसमें सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है 1865 का 263.25 रुपया पे, जो कि दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न 31 दिसंबर 2023 के अनुसार प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास में 58.89%, पब्लिक के पास में 41.11% है। ब्लॉक डील में कुछ भी नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन में अंतरिम डिविडेंड दिया था लास्ट 16 फरवरी 2024 को। अब देखते हैं BSEIndia.com वेबसाइट के नाम पर, इस पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर प्राइस 263.20 रुपया। जैसा कि 22/3/2024 को एक न्यूज आया था, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR क्रेडिट रेटिंग से संबंधित है और कॉर्पोरेट एक्शन में अंतरिम डिविडेंड 4 रुपया 16/2/2024 एक्सपायरी डेट, लास्ट डिविडेंड 16/2/2024 को पेड किया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि NSEIndia.com पे है वैसा ही दिसंबर 2023 के अनुसार है। थोड़ा सा डिलीवरी पोजीशन देख लेते हैं। डिलीवरी पोजीशन काफ़ी कम है, 33.48%, 22 मार्च 2024 16:00 बजे के अनुसार क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 301,677 और डिलीवरी क्वांटिटी 101,012, तो मात्र 33.48% का डिलीवरी हुआ, यानी डिलीवरी में उठाया गया माल को। ONGC जिसका कि हिंदी में नाम है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ONGC भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 71% का योगदान देती है। तो इसके कामकाज और भारत में कितना परसेंट इसका योगदान है उस क्षेत्र में, उसकी जानकारी मिल गई। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके डाटा के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट है देखना। तो मार्केट कैप
3,31,176 करोड़। उससे पहले बता दूँ कि ये screener.in पर है और मैं वीडियो बनाता हूँ नॉलेज पर्पस। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही। तो चलते हैं दोस्तों आगे। करंट प्राइस 263 रुपया, बुक वैल्यू 246 रुपया, यानी कि बुक वैल्यू से ऊपर में ट्रेड कर रही है, तो ऊपर में ट्रेड कर रही है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और अभी भी इस शेयर को अंडर वैल्यूड मानेंगे क्योंकि ROE 13-14% है, जिसके कारण स्टॉक पी 7.22 है। 52 का हाई लो 285 रुपया और 146 रुपया। डिविडेंड भी पे कर रही है, फेस वैल्यू 5 रुपये का है। तो ये सब को देखते हुए ये अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही। 1 ईयर का प्राइस चार्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए जो डाउन होना था हो चुका है, अब इसमें अप ट्रेंड बनने वाली है। हो सकता है कि ट्यूजडे को इसमें अप ट्रेंड बने। क्योंकि चार्ट के अनुसार तो ऐसा ही दिख रहा है। इसमें प्रोज और कॉन्स, प्रोज 3 है और कॉन्स 1 है। प्रोज है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.07 times इट्स बुक वैल्यू, क्योंकि इनकम के अनुसार यह बुक वैल्यू से ऊपर में ट्रेड कर रही है, फिर भी यह अंडर वैल्यूड माना जा रहा है मेरे आइडिया अनुसार। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.27%। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.2%। और कौन सा एक, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.9% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो कौन सा, जैसा कि एक है, यहाँ पर भी देखने से कंपनी बहुत अच्छी है, धाकर कंपनी मानेंगे इसको ऑयल एंड नेचुरल गैस के क्षेत्र में। ONGC का PE 7.22, जो कि एक नंबर का कंपनी है इस क्षेत्र में। क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2023 के अनुसार सेल्स 1,65,569 करोड़ का और एक्सपेंस 1,45,545 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,024 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12%। अदर इनकम 4,130 करोड़ का, इंटरेस्ट 2,544 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 7,094 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,516 करोड़ का, टैक्स पेड की 26% यानी कि 26%, नेट प्रॉफिट 10,748 करोड़, अर्निंग पर शेयर 8.23 रुपया, जो कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा सा कम हुआ है। फिर भी बेहतर रिजल्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो इसका EPS 33.33 रुपया, काफ़ी बेहतर है। बैलेंस शीट सितंबर 2023 के अनुसार इक्विटी कैपिटल 6,290 करोड़, रिजर्व 3,03,337 करोड़ का, ब्रोइंग 1,43,496 करोड़ का, अदर लाइबिलिटीज 2,15,958 करोड़ का, फिक्स एसेट भी है इसके पास जो कि 3,08,050 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट भी है 81,470 करोड़ का।
मार्च 2023 के अनुसार कैश फ्लो निगेटिव में है, माइनस में 1504 करोड़ का है नेट कैश फ्लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर 2023 के अनुसार और उसके आगे का इस पर screener.in पे के वेबसाइट पे अभी लोड नहीं हुआ है। लेकिन दिसंबर 2023 के अनुसार लोड कैसे होगा, यही तो रिजल्ट है बीते हुए क्वार्टर का। तो प्रमोटर होल्डिंग है 58.89%, FIH के पास में 9.20% है, DIH के पास में 18.73% है, गवर्नमेंट के पास में 10.30% है, पब्लिक के पास में नाम मात्र का है 2.89%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1,58,564, जो कि पिछले सितंबर 2023 के अनुसार इस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान बढ़ा है, तो ये भी जाहिर करता है कि हाँ कंपनी का फ्यूचर क्या है। दो दिन पहले का है क्रेडिट रेटिंग से संबंधित न्यूज़, और दूसरा है शेयर होल्डर मीटिंग पोस्टल बैलेट स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट जो कि 16 मार्च का है। तो न्यूज़ भी ठीक है, इस शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, फिर से अप ट्रेंड बनने को तैयार है। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार, सूझबूझ के अनुसार ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।